नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई थी। आजादी के महापर्व के सम्मान में केंद्र सरकार की ओर से अब हर घर तिरंगा अभियान भी, इसके लिए एक मुहिम उन्होंने शुरू की है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और हर भारतवासी इसके लिए तैयार है। जहां एक तरफ देश में हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा हो रही है, लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं और इस अभियान को लेकर काफी उत्साह बना हुआ है लोगों के बीच में, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को इससे आपत्ति हो रही है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान दिया है। हालांकि वो हमेशा ऐसे बेतुके बयान देते रहते हैं, इस बयान को लेकर वो काफी अभी चर्चाओं में बने हुए हैं। वैसे तो कोई ना कोई उनका विवादित बयान हमेशा चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है उसकी आलोचना भी बड़े तौर पर हो रही है। दरअसल उन्होंने कहा है कि झंडा मुल्क का है और ऐसे मुल्क वाले ही इसे लगा सकते हैं। सत्ताधारी बीजेपी की तरफ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमें मुल्क का मानते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि तिरंगा मुल्क का झंडा है तो मुल्क के कार्यालयों पर फहराया जाना चाहिए, भला हम इसे क्यों फहराएं। इस अभियान पर विवादित बयान देते हुए सपा सांसद ने यह भी कह दिया कि जिसकी मर्जी हो वो झंडा लगाए, क्या झंडा लगाने से ही देशभक्ति साबित होती है। पीएम मोदी के हर घर तिरंगा लहराए जाने की अपील पर संविधान का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है कि झंडा आपको लहराना ही है। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं भी तिरंगा घरों पर फहराए जाने के लिए कोई अनिवार्य नहीं लिखा गया है कि आपको इसे हर घर में फहराना है, फिर इस प्रकार के अभियान की जरूरत क्या है। सपा सांसद ने इस अभियान को भी लोकसभा चुनाव का 2024 से भी इसको जोड़ते हुए कहा कि इनकी हर योजना पॉलिसी में प्रचार होता है, 2024 इन्हें दिखाई दे रहा है, यानी कि उनका सीधा सीधा निशाना बीजेपी की तरफ था। जब बर्क से ये पूछा गया कि क्या ये मुल्क आपका नहीं है, इस पर सांसद ने कहा कि हम तो मानते हैं लेकिन सत्ता नहीं मानते हैं। इसके पहले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि बच्चा पैदा करने का ताल्लुक अल्लाह से है, इंसान से नहीं। अल्लाह बच्चा पैदा करता है तो पालने का भी इंतजाम वही करता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर भी कानून लाना चाहती है तो इसकी जगह पर बच्चों की तालीम पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चों को तालीम मिल जाएगी तो जनसंख्या का मुद्दा खुद ही सुलझ जाएगा। अब आप बताइए कि ये कैसे बयान देते हैं, जरा इनसे कोई पूछे कि क्या अल्लाह कहता है इन्हें खुद आकर कि वो बच्चा पैदा करे या जनसंख्या बढ़ाने में अपना योगदान करे। इधर विपक्ष भी इस बयान को लेकर, यानी कि जो बयान शफीकुर रहमान ने दिया था हर घर तिरंगे को लेकर, उस पर अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, इससे एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग आज हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं वो जिस संगठन से आते हैं उसने 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई, इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकलते हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब तक नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। वैसे राहुल गांधी हमेशा ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और आज उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो इस तरीके के बयान अक्सर देते रहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी तिरंगे के केसरिया रंग को भगवा बता रही है, जबकि भारतीय झंडा संहिता में केसरिया रंग और उस रंग के संदेश का जिक्र साफ है। भाई अब ये देखे ना कि आजादी का जश्न जहां इनको मनाना चाहिए वो ऐसे तुच्छ बयानबाजी कर रहे हैं और इस अभियान को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है और इस पर राजनीतिकरण शुरू हो गया है। इस पर राजनीति करने से ये जरा भी नहीं चूक रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किस तरीके से देश का माहौल खराब किया जाए, किस तरीके से देश में शांति भंग की जाए। अगर ऐसे अभियान चलाए भी जाते हैं तो उसको किस तरीके से गलत मतलब उसका निकाला जाए। अब अगर आपको झंडा फहराना है या नहीं फहराना है ये आपकी आपसी मर्जी है, लेकिन इस अभियान को लेकर जहां पूरी देश में अभी जोश देखा जा रहा है उसे लेकर अभियान जो है वो बहुत ही तेजी के साथ काम करेगा और हर भारतवासी यही चाहता है कि जिन जवानों का बलिदान इस आजादी की लड़ाई में गया था वो व्यर्थ ना जाए। उनके लिए ही हमें ये झंडा हर घर फहराने के लिए एक संदेश देना है जिसके लिए
पीएम मोदी ने ये अपील लोगों से की है कि 15 अगस्त तक आप ये झंडा अपने अपने घरों में लगाएं, लेकिन इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में ये सारे वाद विवाद चलते रहते हैं और जिस तरीके से प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है, विपक्ष जो है कभी नहीं चाहता है कि वो इस तरीके के अभियान को खड़ा करे या फिर इस तरीके के अभियान को कभी चलाए भी, तो इस तरीके के बयानबाजी और राजनीतिकरण हम अक्सर देखते रहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से शफीकुर रहमान का बयान सामने आया है, हालांकि वो इस तरीके के तुच्छ बयानबाजी हमेशा करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से उन्होंने जनसंख्या पर इतना बड़ा सवाल कर दिया था, उसको किस तरीके से उन्होंने अल्लाह से कनेक्ट कर दिया था, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आप इस वीडियो को लेकर क्या कहते हैं, आपकी इस अभियान को लेकर क्या राय है, मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप खबर इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।